जब बहुत ज्यादा प्यार ही है तो कैसे देखिए जो पॉजिटिव वाइब से कहाँ जाता है? नहीं मैं कितनी प्यारी हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जब मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कुह बनना है, तो कुह के हिसाब से आप करो। क्या होता है एज एन एक्टर, आप घर से निकलने से पहले आपके साथ पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कई बार मुझे बहुत बुखार होता है तो भी आपको स्क्रीन पे अच्छा परफॉर्म करना था, पब्लिक को नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता कि आप बीमार हो क्या, क्योंकि स्क्रीन सब कुछ पकड़ लेता है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि भाई अभी जो भी चीज़ है ना दिमाग में उसको रख दिया, अब जो हम 12 13 घंटा 14 घंटे जो हम काम करते हैं, बस मैं कुहू और कुहू की लाइफ को मुझे जीना है। तो उस हिसाब से कभी कभी मैं मस्ती भी कर लेती हूँ इन लोगों के साथ, हैं जो बहुत सारे बच्चे, मतलब मेरे से छोटे भी हैं लेकिन बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा करते हैं। सामने एक खड़ा है, इसको मैं जिमांशु बोलती हूँ, एक्चुअली इसका नाम दिव्यांशु है नाम इसका, प्यार से नहीं, उसको चिढ़ाने के लिए मैं बोलती हूँ। तो इन लोगों के साथ मस्ती कर लेती हूँ। तो ऑफकोर्स हमारे सेट का जो जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने लोग हैं ना, वो बहुत मेहनती, बहुत डेडिकेटेड, और आई थिंक मेरे से ज़्यादा वो ना इस सबको ना फैमिली समझते हैं, मतलब और मुझे तो इतना केयर करते हैं कि अगर मैं उसमें ऐसे करूं तो शायद मैं बुरी हूं। फिर इतना इन लोग से वाइब्स इतने अच्छे मिलते हैं ना कि आप ना भी चाहके ना आपको हंसी देते हो आप, और हंसते खेलते ठीक है डे नाइट हम करते हैं, लेकिन एक जो बॉन्डिंग बनी हुई है ना वो माइंड ब्लोइंग है। और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भैया ये बॉन्डिंग लंबा चले, क्योंकि ये बॉन्डिंग जब ऊपर नीचे होता ना तो बहुत तकलीफ होता है। तो अब गुरु जी ये संकल्प हमारा पक्का है कि हम हमारे अराजकत्व का जो रिश्ता है उसको दिखाने नहीं देंगे कि परीक्षा है हमें। हाँ, परीक्षा